अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 20। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे आप ब्लॉक किस तरह बनाते हैं, ब्लॉक को किस तरह इंसर्ट करते हैं और इस पर किस तरह काम करते हैं। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, लेसन नंबर 20 में आज हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट ब्लॉक एंड मेक ब्लॉक, पर्पज ऑफ इंसर्ट एंड मेक ब्लॉक, ड्रॉ ब्लॉक विद कमांड एंड मेक ब्लॉक विद कमांड। तो आज के इस लेसन में हम ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉक का फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक किस लिए बनाते हैं, ये जब आप 2D ड्राइंग्स बनाएंगे या 3D में आप जाएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ब्लॉक क्या होता है, उसे किस तरह ड्रॉ करते हैं। लेकिन आज के इस लेसन में आपको सिंपल ब्लॉक ड्रॉ करना बता रहा हूँ और ब्लॉक को बनाना बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ड्राइंग में या 3D मॉडलिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक का फंक्शन। तो ब्लॉक होता है क्या है, इसे किस तरह इंसर्ट करते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है, इंसर्ट ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक एडिटर सिंगल, और यहाँ पे ब्लॉक में आप देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ब्लॉक ड्रॉ करना और ब्लॉक को इंसर्ट करना बताऊँगा। क्रिएट ब्लॉक, और यही ब्लॉक जो आप अगर ऑटो कैड 2007 में जाएं तो ये ब्लॉक लिखा होता है मेक ब्लॉक, क्रिएट की जगह लिखा होता है मेक ब्लॉक, जो कि यहाँ पे लिया हुआ है क्रिएट ब्लॉक का नाम जिसमें दिया हुआ है। बेस और डिफाइन एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए, और ब्लॉक के ऊपर डिस्कस कर ब्लॉक जो होता है बेसिकली, जब आप 2D ड्राइंग या 3D ड्राइंग बनाते हो तो उसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई पिलर्स वगैरह बनाए हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है, कोई सर्कल वगैरह बनाया हुआ है जो आप चाहते हो कि पूरे के पूरे एरिया में रिवॉल्व हो जाए या सारे के सारे एरिया में वो इंसर्ट हो जाए किसी स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू, तो उसके लिए आप ब्लॉक को यूज़ करते हो। तो ब्लॉक आप जब 2D ड्राइंग्स बनाओगे आपको ईजिली समझ आ जाएगी ब्लॉक का फंक्शन क्या है। तो मैं एक सिंपल सा एक ब्लॉक बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। एक मैं पहले रेक्टेंगल लेता हूँ, सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल लिया और सी एंटर करता हूँ इसमें, इस रेक्टेंगल में एल लाइन देता हूँ, मैं मिड पॉइंट से ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सी एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर सी एंटर करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल एक मैंने ये ब्लॉक बना दिया, अब इसको मैं सी पी मतलब कॉपी करता हूँ, सी पी शॉर्ट कमांड है कॉपी की, सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे ले आए। दो ब्लॉक के आपने जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है, 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 तो ये मतलब हमारे पास ब्लॉक नहीं बना हुआ अभी तक, ये अलग से हो रहा है, ये अलग से हो रहा है, ये अलग से हो रहा है और ये अलग से हो रहा है सिलेक्ट। तो मेरे दो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी इसलिए किया ताकि मैं ब्लॉक वाली फिगर को, ब्लॉक वाली जो ब्लॉक में बनाऊंगा उसको उस ऑब्जेक्ट को और जो ब्लॉक के बगैर होगा उसमें आपको फर्क बता सकूँ। तो ब्लॉक की जो शॉर्ट कमांड है, आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप ब्लॉक बना सकते हैं, और जो शॉर्ट कमांड है वो बी एंटर, बी एंटर करेंगे ब्लॉक के लिए, एंटर हो जाएगा। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इस डायलॉग बॉक्स में आप और तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं लेकिन आप और ऑप्शंस को छोड़ें फिलहाल, आप सिंपल यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ब्लॉक वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करें इसके बाद, या आप एंटर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। उधर पिक पॉइंट, पिक पॉइंट आपने कोई एक पिक पॉइंट देना होगा ब्लॉक के लिए, तो उसके लिए आप पिक पॉइंट पे क्लिक करें, पिक पॉइंट आप सेंटर भी दे सकते हैं, कॉर्नर भी दे सकते हैं, आप जो भी एरिया देंगे आप यहाँ से पिक पॉइंट दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर को पिक पॉइंट देता हूँ, सेंटर पे क्लिक किया पिक पॉइंट आ गया, और यहाँ पे ब्लॉक का नाम दे दें आप, तो ब्लॉक का नाम मैं दे देता हूँ, ब्लॉक का नाम मैं ब्लॉक ही दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या ए बी सी दे देता हूँ, ब्लॉक का नाम देते हैं आप। ओके करता हूँ मैं, तो अब देखिए मेरे पास एक ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक किस तरह बने मुझे कैसे पता चलेगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो
क्लिक करेंगे तो देखें सिर्फ इसका एक ही पॉइंट आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। जबकि मेरे पास यहाँ पे आप देखें तो जो ब्लॉक वाली फिगर नहीं है, जिसको मैंने ब्लॉक नहीं बनाया, देखें इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। आप देखें सिलेक्शन पॉइंट काफ़ी सारे आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, जबकि ब्लॉक वाली फिगर के सिर्फ मेरे पास एक ही पॉइंट सामने आ गया और ये एक ब्लॉक बन गया। अब ये था जी ब्लॉक बनना किस तरह, और ब्लॉक आप बनाएंगे कैसे। ब्लॉक बनाने के बाद आप बेशक इसको डिलीट कर दें ब्लॉक को। अब ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आई प्रेस करोगे, कीबोर्ड से आई प्रेस करोगे इंसर्ट हो जाएगा, या फिर आप इस बटन पे क्लिक करें तो इंसर्ट ब्लॉक मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। देखें ए बी सी का, देखें ब्लॉक जो मैं बनाया वो यहाँ पे सामने आ गया, आप देख सकते हैं। ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए मैं आई प्रेस करता हूँ, ए बी सी वाला ब्लॉक है, और इसको ओके कर दें, देखें इंसर्ट हो गया ब्लॉक, देख सकते हैं आप। तो ये था ब्लॉक और ब्लॉक का फंक्शन, और ब्लॉक को इंसर्ट आप कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉक के जो ऑप्शन है उनके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो ब्लॉक में एक और ऑप्शन है कि आपने अगर ब्लॉक को एडिट करना है, इसमें कुछ एडिटर यूज़ करने हैं, या इस ब्लॉक को एडिट करना है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्लॉक एडिटर, क्लिक करें इस पर। ब्लॉक का नाम कौन सा है, क्रिएट और एडिट ब्लॉक नेम, क्रिएट तो मैं नहीं करना चाह रहा, मैं एडिट करना चाह रहा हूँ ब्लॉक नेम, तो मैं इस ब्लॉक को एबीसी वाले को एडिट करना चाह रहा हूँ, ओके करूँगा मैं। यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक एडिटर सामने ओपन हो गया। अब इस ब्लॉक एडिटर में मैं क्या एडिट करता हूँ, इसको मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा लाइन को, या मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं इसके इसको यहाँ पे ले आया, 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 और उसके बाद मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसमें देता हूँ जी कि ऑप्शन देता हूँ, और लीनियर डायमेंशन वगैरह ओके। मैंने बस इसको यहाँ से बढ़ा दिया, और इसकी ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को मैं यहाँ से इस एरिया पे ले जाता हूँ, इसको यहाँ से इस एरिया पे ले जाता हूँ, ओके। ये काम करने के बाद आप क्लोज करें, यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करें, सेव द चेंज टू ए बी सी पे क्लिक करें। अब देखिए आपको ब्लॉक में चेंजिंग आ गया, आप देख सकते हैं ब्लॉक आपका चेंज हो गया। तो ये था ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक में आप एडिट किस तरह कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि ब्लॉक हम बनाते किस तरह हैं, ब्लॉक पे काम किस तरह होता है, इसमें एडिटिंग किस तरह करते हैं। तो ये था ब्लॉक और ब्लॉक का ऑप्शन, और ब्लॉक को किस तरह हम बनाते किस तरह है, ब्लॉक किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको जब हम 2D या 3D में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब हम मॉडलिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ तक जहाँ तक आपने पढ़ा, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इस पर काम करें, ताकि आप एक अच्छी तरह से और एक प्रोफेशनल कोई ड्राइंग्स वगैरह आप बना सकें, प्रोफेशनली आप ड्राइंग वगैरह बना सकें। तो यहाँ तक जो हमने काम किया, इसमें आप इजीली ड्राइंग्स बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ तक जो हमने काम किया, इसमें आप और भी जो टूल्स हैं, जो जो चीज़ें रहती हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह मॉडिफाई में, अभी हम मॉडिफाई में तो नहीं गए, लेकिन ड्रॉ में जो जो हमने कमांड की है, एलेक्स कमांड है, एलेक्स कमांड में देखें तो ये कह रहा है क्रिएट 2D स्पैरल टू 3D स्प्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं 2D में स्पैरल और 3D में स्प्रिंग के तौर पे यूज़ होता है। तो ये हम जब आगे जाएंगे 3D में, तो उस टाइम में आपको हेलिक्स कमांड का अप्लाई करना बताऊंगा। 3D पॉली लाइन है, ये भी 3D में यूज़ होती है, 3D के अलावा यूज़ नहीं होती। तो जो जो कमांड्स 3D के लिए, वो हम 3D में यूज़ करते हैं। तो रीजन्स वगैरह जो कमांड है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, रीजन्स किस लिए यूज़ की जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।